नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। जब भी क्रांतिकारियों बलिदानियों का नाम आता है तो सर्वश्रेष्ठ नामों में गिनती होती है अमर बलिदानी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म दिवस है। इस विशेष दिवस पर यह विशेष लेख आपके समक्ष प्रस्तुत है वैदिक राष्ट्र की तरफ से। वास्तव में काकोरी के वीरों का परिचय और उनके फांसी के दृश्य नामक लेख का यह अंश है जिसे क्रांतिकारी महान बलिदानी वीर भगत सिंह की लेखनी से लिखा गया था और कृति नामक पत्रिका में जनवरी 1927 और मई 1927 को यह छपा था। ये लेख उसी लेख का अंश है और इस लेख को प्रेषित किया है डॉक्टर विवेक आर्य ने। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन प्रसंग आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आगे बढ़ते हैं विषय की तरफ। रामप्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में तो बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह, किसी और समय या वक्त में पैदा हुए होते तो सेना के अध्यक्ष होते। आपको पूरे काकोरी षड्यंत्र का नेता माना गया है। चाहे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की सुध-बुध बुला देते थे। चीफ कोर्ट की अपनी अपील खुद ही लिख दी थी जिससे कि जजों को कहना पड़ा कि इसे लिखने में जरूर ही किसी बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति का हाथ है। 19 तारीख की शाम आपको फांसी दे दी गई। 18 की शाम को जब आपको दूध दिया गया तो आपने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं मां का दूध ही पीऊंगा। 18 को आपकी मां से मुलाकात करवाई गई। मां से मिलते ही आपकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मां बहुत हिम्मत वाली देवी थी, आपसे कहने लगी, हरिश्चंद्र, ददीची आदि बुजुर्गों की तरह वीरता, धर्म और देश के लिए जान दे, चिंता और पछताने की कोई जरूरत नहीं है, आप हंस पड़े। कहा, मां मुझे कोई चिंता और पछतावा नहीं है, मैंने कोई पाप थोड़ी किया है, मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मां आग के पास रखा घी पिघल ही जाता है, तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है कि पास होते ही आंखों में अश्रु उमड़ पड़े, नहीं तो मैं बहुत खुश हूं। फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र ए यार तेरी जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, मैं ब्रिटिश राज्य का पतन चाहता हूं। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई, रामप्रसाद जी की फांसी पर लटक गए, उन्हें फांसी दे दी गई। आज यह वीर इस संसार में नहीं है, उसे अंग्रेज सरकार ने अपना खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल है कि उसका कसूर यही था कि वह देश में जन्म लेकर देश के साथ खड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पर उतर आया था। लड़ाई की विद्या से बड़े परिचित थे वो। आपको मेनपुरी षड्यंत्र के नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे सूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षा दी थी, युद्ध प्रशिक्षण। मेनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए थे और वहीं आपकी मृत्यु का एक कारण आपकी शिक्षा हो गई। 7 बजे आपकी लाश मिली और फिर बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश प्रेम में आपकी माता ने कहा था कि मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर प्रसन्न हूं, दुखी नहीं, मैं श्री रामचंद्र जैसा पुत्र चाहती थी। बोलो रामचंद्र जी की जय। इत्र फुलेल फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस निकाला गया। दुकानदारों ने उनके ऊपर पैसे फेंके। 11 बजे आपकी देह शमशान भूमि पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब खुशी हूं, 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूं, परमात्मा काफी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही जन्म लूंगा। मेरा सभी से नमस्कार कहें, दया कर इतना काम और भी करें कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण सरकारी वकील जिसने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बड़ा जोर लगाया था को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आएगी। पंडित जगत नारायण जिसने बड़ा प्रयास किया
और बहुत जोर शोर लगाया ताकि पंडित जी को फांसी मिल जाए, और कहा अपने अंतिम पत्र में सरदार भगत सिंह को जो अंतिम पत्र लिखा था, ये उसी पत्र के कुछ अंश हैं जो सरदार भगत सिंह ने उस लेख में जोड़े थे, कि उन्हें नमस्कार कहिएगा ताकि उनको हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आए और बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। रामप्रसाद की सारी हसरतें दिल के दिल में रह गई। फांसी से दो दिन पहले CID के मिस्टर हैमिल्टन आप लोगों से मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो, आपको 5,000 रुपये नकद दे दिया जाएगा, सरकारी खर्च पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन आप कब तक इन बातों की परवाह करने वाले थे? आप हुकूमत को ठुकराने वाले और कभी कभार जन्म लेने वाले वीरों में से थे। मुकदमे के दिनों में आपसे जज ने पूछा कि आपके पास क्या डिग्री है, तो आपने हंसकर जवाब दिया, सम्राट बनने वालों की डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। क्लाइव के पास भी कोई डिग्री थी क्या? आज हमारे बीच वो नहीं है। आह, हम उनको नमन करते हैं। अन्य इस तरह के प्रेरणादायक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।